पार्टी की डबल इंजन की सरकार एक बार फिर से आपके पास आई है। आज मैं आपसे कह सकता हूं कि 5 साल के बाद आज हम सब ये कह सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश बड़े बड़े माफिया और अपराधी जो पहले सत्ता के संरक्षण में रह करके उत्तर प्रदेश के व्यापारियों का, आम नागरिकों का जीना हराम करते थे, जो गुंडे और सौहदे बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, आज मैं 5 साल के बाद कह सकता हूं ये अपराधी और माफिया आज उत्तर प्रदेश की धरती से या तो छोड़ करके जा चुके हैं या उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर ने उनको ठिकाना लगाने का काम भी कर दिया है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या मध्य उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या बुंदेलखंड, चारों ओर उत्तर प्रदेश की कोई भी बेटी, कोई भी बहन बेझिझक जा सकती है। उसे आज कोई भय किसी सौदे और किसी गुंडे का नहीं है। ये बेटी की सुरक्षा के साथ, उत्तर प्रदेश के व्यापारियों की सुरक्षा के साथ, उत्तर प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा के साथ जो वायदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, अपने उस वायदे को भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने पूरा किया। भाइयों बहनों, ये वही सहारनपुर है जो सीमांत जनपद होने के कारण सदैव उपेक्षित रहता था। यहां के बारे में पिछली सरकारों को कोई फुर्सती नहीं थी और पहली बार आपने देखा होगा डबल इंजन की सरकार किस रूप में कार्य करती है। एक दर्जन से ज्यादा बार मैंने अकेले सहारनपुर का दौरा किया था और यहां के विकास की योजनाओं के साथ यहां के जनप्रतिनिधियों से चर्चा की थी। आज सहारनपुर दिल्ली मार्ग हो या सहारनपुर से हरिद्वार जाने वाला मार्ग, या भाइयों बहनों आपकी बहुप्रतीक्षित मांग कि सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर हमारा एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, आज उस विश्वविद्यालय की मांग को भी सहारनपुर के अंदर पूरा कर दिया गया है।